गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जीवन बाफल वापस एक बार आपका स्वागत करता हूँ जर्नलिस्ट चैनल पर। आज हम एक और जगह पे आए हैं जो जनरली सीन बोली जाती है, लेकिन हम आपको कुछ अनसीन लम्हे, कुछ अनसीन प्लेसेस दिखाने के लिए लाए हैं स्पेसिफिकली ऑफ सीजन में। क्योंकि कई बार हमारे मन में ये सवाल होता है कि अरे जो फुल सीजन होता है उस टाइम तो हम लोग हर जगह पे जाते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में वो जगह कैसी होती है ये जनरली देखने के लिए वहां पे जाना पड़ता है। जनरली वहां पे लोग जाते नहीं है ऑफ सीजन में, तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसे हिल स्टेशन पे जाए कि जहां पे ऑफ सीजन है, टूरिस्ट नहीं है, और पता नहीं लोगों को कि ऑफ सीजन में भी कितना सुंदर होता है ये हिल स्टेशन। ना ये पंचगनी है, ना ये लोनावला है, ना ये महाबलेश्वर है, ना ये माथेरान है। ये हिल स्टेशन है लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर सी लेवल से, और एक ऐसा हिल स्टेशन है कि जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका नाम है भीमाशंकर। समर सीजन में भीमाशंकर कैसा होता है आज हम आपको दिखाएंगे। जनरली यहाँ पर जब रेनी सीजन में कोई आते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे दो दो तीन तीन किलोमीटर लंबी तो लाइंस लगी होती है पार्किंग के लिए कार्स की, इतने सारे टूरिस्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कितने टूरिस्ट होते हैं, क्या होते हैं, आप ये देखोगे, और शायद मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद आप यहाँ पर ऑफ सीजन में भी आना चाहोगे। देखते हैं कैसा है भीमाशंकर ऑफ सीजन में। और हाँ, एक और चीज, जो फुल सीजन होता है उस टाइम पर भी हम यहाँ पे आएंगे और आपको दिखाएंगे कि फुल सीजन जब होता है रेनी सीजन तो उस टाइम भीमाशंकर कैसा होता है, ताकि आप इसको थोड़ा सा फिगर आउट कर पाए कि ये डिफरेंस क्या है दोनों में। तो देखते रहिए, एंड तक देखते रहिए ये वीडियो, अलग अलग नजारे, सीन और बहुत बड़ा अनसीन। अब हम जा रहे हैं एक तालाब की तरफ जिसका नाम है हनुमान तालाब। जो मेन जो मंदिर है वहाँ से एक थोड़ा सा चलना पड़ेगा, लेकिन जो वॉक है वो भी अच्छा है। कहीं कहीं बहुत धूप, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसी छाव आएगी कि आप धूप को भूल जाओगे। एक टनल पेड़ों का कैसा लग रहा है कि एकदम बीच बीच में तो इतनी धूप लग रही है कि ऐसा लगता है अरे थोड़ा सा रुका जाए कहीं पे छाव पे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए थोड़े से ऐसा एक पैच आता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रीज का जो है एक टनल बना हुआ है। एकदम ठंडा लग रहा है अंदर। भरी दोपहर में हम लोग चल रहे हैं, भूख तो लगी है, लेकिन अभी ऐसी जगह पर है कि जितना आए हैं उतना ही आगे जाना है, तो या तो आगे जाए नहीं तो पीछे जाए, डिस्टेंस उतना ही है। जा रहे हैं हनुमान तालाब, धूप छाव खेलते हुए जा रहे हैं। पीछे था एक छाव का टनल, अब आया है धूप का एक पैच, थोड़ी देर बाद वापस एक छाव का एक पैच आ जाएगा। अच्छा लगता है। अब तक हम लोग 15-20 मिनट तो हो गए हैं, चल रहे हैं मेन जो मंदिर है वहां से। मेरे ख्याल से बहुत साल बाद यहाँ पे आए हैं तो कुछ बदला लग रहा है। ये जो रास्ता है ये रास्ता ऐसा नहीं था, लगने रहा कि इतना दूर था, उस जमाने में तो बहुत पास लगता था। देखते हैं आगे कहाँ पे ये रास्ता लेके जाता है, क्योंकि हमें तो ये बताया गया था कि अब यहाँ से जाना होता है। पहले यहाँ से गाड़ियाँ भी जाया करती थी, लेकिन अभी गाड़ियाँ नहीं छोड़ रहे, आपको चलना ही पड़ेगा। यहाँ पे अलार्म खड़ा रहे, आप सुन सकते हैं अलार्म कॉल,
लंगूर के शायद लेपर्ड हो सकता है यहाँ पे, देखते हैं। स्ट्रांग अलार्म कॉल है। कुछ तो है। अलग अलग पेड़ों से लंगूर की आवाजें आ रही है। ये क्लियर कट कॉल्स है, वाइल्ड कॉल्स। ये कॉल्स लेपर्ड के हैं, डेफिनेटली लेपर्ड के हैं। लगभग 5-6 जगह से लंगूर कॉल दे रहे हैं। यहाँ पे आसपास लेपर्ड है। अब हम लोग सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कहाँ पे लेपर्ड है। डर नहीं रहे, एक्साइट हुए हैं। देखते हैं, कोशिश करते देखने की। ये सामने लंगूर है, वो पेड़ पर आप पेड़ हिलते हुए देख रहे हैं। ये है मंदिर और यहीं के आसपास कहीं पे लेपर्ड है। बहुत ज्यादा कॉल सर, यहाँ से कॉल आ रहे हैं, यहाँ से कॉल आ रहे हैं। लंगूर हमें दिख रहे हैं पेड़ों पर, वहां से कॉल आ रहे हैं, सामने से कॉल आ रहे हैं, वहां से कॉल आ रहे हैं और वहां से कॉल आ रहे हैं। 101% बोल रहे हैं यहाँ पर लेपर्ड है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं लेपर्ड कहाँ पे हमें दिख सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉक्स, सामने से ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं पास में। ये जो अभी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, कुछ ज्यादा ही एडवेंचरस है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भरा, लेकिन उतना ही डरावना है, लेकिन मजा आ रहा है। ये जो सामने का पेड़ है, वहां से लंगूर बहुत चिल रहे हैं। आपको पेड़ हिलते हुए देखेंगे। ये देखिए सामने एक लंगूर पेड़ पर दिख रहे हैं। हम जूम करके देखते हैं। सामने दो लंगूर, क्लियर कट कॉल्स। ये है हनुमान तालाब, छोटा सा है लेकिन बहुत पुराने जमाने से है। और ये हनुमान जी का मंदिर, और इस बैकग्राउंड में हमें आ रहे हैं बहुत सारे कॉल्स, वाइल्ड कॉल्स लंगूर के। सामने पेड़ पर हर जगह से कॉल्स आ रहे हैं, तो देखने की कोशिश कर रहे हैं हम क्या कहीं पे सच में लेपर्ड है। लेपर्ड तो हमें नहीं दिखा, शायद हो सकता है कि लेपर्ड ने हमें देखा हो, लेकिन हम लेपर्ड को नहीं दिख पा रहे थे। अब हम लोग जा रहे हैं होटल में, वहाँ पर खाना खाएंगे, एक घंटा थोड़ा सा आराम करेंगे और वापस एक बार शाम को इसी जगह पे आएंगे हनुमान तालाब के पास, और यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे एक छोटा सा ट्रेक एक स्पेशल सनसेट देखने के लिए, और फिर वहाँ पे एक अच्छा नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। कोकणकड़ा नाम का एक यहाँ पर बहुत एक ऐसा स्पॉट है जहाँ से कोंकण आपको ऊपर से पूरा दिखाई देता है। ये क्रेस्ट लाइन उतरती है कोंकण में। सो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कोकणकड़ा, हेजी है इसलिए पूरा क्लियरली नहीं दिखाई देगा। इस प्लेस का नाम है कोकणकड़ा। इस पैच के पीछे भूपे घाट करके पूरा घाट सेक्शन है, और जो पीछे जो है पीछे वो है सिद्धगढ़, और यहाँ पे ये पूरा कोंकण आपको दिख रहा है।
भीमाशंकर में ये जो पॉइंट है इसे कोकण कड़ा भी कहा जाता है, इसको मुंबई पॉइंट या बॉम्बे पॉइंट भी कहा जाता है। हनुमान तालाब के पास जाते जाते चल के थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हमने सोचा क्यों ना ये गाड़ी से जाए। तो टोटल 7 लोग, लेकिन हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम अब यहाँ से आके चल के जाएंगे और इस गाड़ी को भी एंड तक लेके जाएंगे, यानी हनुमान तालाब तक। बहुत ही एडवेंचरस रोड गाड़ी के लिए, थैंक गॉड ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है इसलिए हम डेयरिंग कर पाए। लेकिन हम दो गाड़ियों में से आए, एक गाड़ी नहीं लेके आए अंदर, इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है इसलिए लेके आए। अच्छा, मेरे ख्याल से यहाँ पर गाड़ी लगाएंगे बिकॉज अब हम आ गए थे हनुमान तालाब की तरफ। आज सुबह जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो यहाँ बहुत सारे अलार्म कॉल्स आए थे, बहुत सारे बंदरों की तरफ से, लंगूर थे और अपने जो नॉर्मल मंकीज होते हैं गुलाबी रंग के उनके चेहरे होते हैं वो भी। तो अभी तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा है लेकिन आज सुबह बाप रे बाप बहुत सारे अलार्म कॉल्स थे और डेफिनेटली आसपास कहीं पे लेपर्ड था। अब मेरे ख्याल से बहुत शांति है यहाँ पर, एक भी लंगूर एक भी मंकी चिल्ला नहीं रहे, थैंक गॉड। सुबह थोड़े से टेंशन में आए थे लेकिन वो भी एक एडवेंचर अलग था। अब हम पहुंच गए हैं हनुमान तालाब के पास और यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर नागफणी करके एक स्पॉट है जो कि भीमाशंकर का हाईएस्ट पॉइंट है, इस क्रेस्ट का, क्रेस्ट लाइन का। अब हम लोग लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर है तो समर होते हुए भी यहाँ पर बहुत अच्छी ठंडी हवा है। यहाँ पे बंदर मेरे ख्याल से कबड्डी खेल रहे हैं क्या, कुछ ऐसे ही लग रहा है। यहाँ हनुमान तालाब के यहाँ से शुरू होती है एक थोड़ी सी चढ़ान, ज्यादा नहीं है ऊपर लेकिन थोड़ा सा है, एक थोड़ा सा ट्रेकिंग का फील आपको आएगा। यहाँ पे आते समय याद रखिएगा कि अच्छे शूज होना बहुत जरूरी है। अब शाम के 5:45 बजे है, 5:45। हम लोग जाएंगे सनसेट देखने के लिए। मजा आ रहा है। एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर है, ये अंजनी माता का मंदिर है यानी हनुमान जी की माता जी। अंदर बहुत अंधेरा है लेकिन देखने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। और ये है बाहर अंजनी माता जी के मंदिर के बाहर छोटा सा मंदिर हनुमान जी का। चलिए सफर आगे शुरू करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल पैच है यह, थोड़ा सा मुश्किल पैच लेकिन हिम्मत तो देखिए सबकी, क्या बात, वाव। मैं उतरता हूँ, काळजी करू नका।
लगभग 100-150 फीट हम लोग ऊपर आए हैं। अगर आदत नहीं है तो दम निकल आएगा। काफी ऊपर आ गए हैं, अब क्रेस्ट लाइन पर आ गए हैं। सामने जो ब्लू कलर का एक बोर्ड जो दिख रहा है और उसके पीछे गांव दिख रहा है, एक्चुअली वो जो पीछे गांव दिख रहा है छोटा सा ना, वहाँ पर गाड़ियाँ लगाने के लिए पार्किंग है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अंदर गाड़ी को लेके आए। अब यहाँ पे ऊपर आए हैं, देखिए कि ये है क्रेस्ट लाइन, लेकिन और थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा बताता हूँ, ऊपर, काफी ऊपर तो आ गए हैं, थोड़ा सा और चलना पड़ेगा, थोड़ा और 5 मिनट। लेकिन ये क्लाइंबिंग वाला पैच नहीं है, स्ट्रेट पैच है। ये है पदरगढ़, इसको बोलते हैं पदर फोर्ट। ये एक फोर्ट है, इसका अगर आप शेप देखोगे तो ऐसा लगता है कि एक खाई से ये आगे आया हुआ एक पोर्शन है, पदरगढ़ इसका नाम है। अब हम लोग जा रहे हैं नागफणी, वहां पे ऊपर। इनकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, हम नौजवान लोग इनके सामने कुछ भी नहीं है। जो आज ताकत, जो एक्साइटमेंट और जो उतरने का जो डेयरिंग है, इन्हीं लोगों से सीखे। क्या बात है विवेक देशपांडे जी। जो अभी क्रेस्ट लाइन पर हम लोग थे, वहां से सिर्फ 2 मिनट के रास्ते पर थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है ऊपर, और फिर नागफणी पहुंच गए। अब हम लोग वापस जा रहे हैं नीचे हनुमान तालाब के पास, जो पुराने घर है ना, वहां पर जो लोग रहते हैं उन्होंने कहा है कि आप जाते जाते हैं हमारे पास आ जाइए, चाय पीते जाइए। सो अब हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए नीचे, वहां से हम लोग जाएंगे गाड़ी में वापस, एडवेंचर गाड़ी से, और फिर वहां से होटल। अगर हो सके तो आज हम एक कमलजा माता के मंदिर में भी जाएंगे, अगर हो सके। देखते हैं कितना अंधेरा होता है, क्या होता है, उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन फिलहाल ये रास्ता तो बहुत बढ़िया है, देख लीजिए जरा। थोड़ा सा रॉकी पैच, ये दिखता डरावना है लेकिन है नहीं, बहुत सिंपल है। कुछ लोगों को डरावना दिखता है। आए क्या? हेलो, अब ये पैच हम लोग उतरने वाले हैं, तो मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि दोनों हाथों को इस्तेमाल करना पड़ेगा नीचे उतरने के लिए। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, नीचे जाने के बाद। नीचे तो पहुंच गए, अब ये हम पहुंच रहे हैं हनुमान तालाब के पास। अंजनी माता का जो मंदिर है वहां पर हम लोग पहुंच गए हैं। यहां ऊपर से हम लोग नीचे आए और
बहुत ही एडवेंचरस रहा। मेरे ख्याल से 5-7 मिनट में हम लोग नीचे आ गए, लेकिन ऊपर जाते टाइम लगभग 15-20 मिनट लगे थे। अब यहाँ से और आगे थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, उसके बाद हमें चाय भी लेगी। और ऐसे मौके पे जब आप इतना थक के आते हैं और इतना एक एडवेंचरस ट्रेक करते हैं, चाय तो बनती है। अब हम लोग नीचे तो आ गए, हनुमान तालाब के एकदम नजदीक पहुंच गए हैं। यहीं पे थोड़ा सा आराम कर लेंगे, चाय पी लेंगे। मैं ऐसा इंसान हूँ, आप कभी भी चाय दीजिए मैं पी लूँगा। चाय का दीवाना हूँ, उतना कॉफ़ी का नहीं हूँ, लेकिन जब आउट ऑफ इंडिया जाता हूँ ऑप्शन नहीं होता, चाय अच्छी नहीं मिलती, कॉफ़ी पी लेते हैं अच्छी वाली। यह आ गए हनुमान तालाब। सारे लोग थोड़ा सा ही थक गए हैं, विश्राम करेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पे चाय पीने के लिए आए हैं, और इस तरीके से चाय बनाई हुई पीना, उसके टेस्ट ही एक अलग होती है। वाह, खुशबू से ही पता चल रहा है कि कैसी टेस्ट होगी इस चाय की। अब शाम के 7 बजे है, चाय पी ली है, बहुत फ्रेश हो गए हैं। अब जा रहे हैं होटल, सामने कार दिख रही है जो एडवेंचर करके हम लोग अंदर तक लेके आए थे, वापस एडवेंचर करके लेके जाएंगे। रात में ऐसे रोड से एडवेंचर करना कार से मजा ही कुछ और है। फिर यहाँ से हम जाएंगे होटल, गप्पे मारेंगे, खाना खाएंगे, जल्दी सोएंगे, और सुबह 5:30 बजे उठ के बर्ड वॉचिंग हमारे होटल रूम की बालकनी से करेंगे। उसके बाद एक अच्छा सा नेचर ट्रेल 3 घंटे का। तो अब हम लोग जा रहे हैं होटल, मिलते हैं कल सुबह।